में आपको बता दें कि दिल्ली के हेराल्ड हाउस पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दें कि जो यंग इंडियन लिमिटेड का दफ्तर सील किया गया था वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल यंग इंडियन लिमिटेड के एक बड़े अधिकारी हैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और यहां पर वो पहुंचे हैं। तस्वीरें उस वक्त की जिस वक्त वो हेराल्ड हाउस पहुंचे थे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस में किस तरह से हलचल बढ़ गई थी वो तस्वीरें कल से आप लगातार देख रहे हैं। और ये एक बड़ी तस्वीर जब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे उस दफ्तर पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद वो किस तरह का एक्शन रखेंगे, क्या वहां पर तमाम चीजें और देखने को मिलेंगी, अभी भी सवाल है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उस वक्त की जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचे। खड़गे साहब क्या कहेंगे जो पूरा आरोप लग रहा है हेराल्ड पे? खड़गे साहब by enforcement directorate, they are saying that you were I told in the parliament, no. So but they are saying you were not present in the office and this is the reason they had to put up the notice. What do you have to say on that, Mr. Kharge? Mr. Kharge, so there you see Mallikarjun Kharge has reached enforcement, has reached Young India office, that is in Herald House, and we can expect enforcement directorate teams also, because for the same reason the notices were put up. खड़गे साहब क्या कहेंगे जो पूरा आरोप लग रहा है हेराल्ड पे? खड़गे साहब दैट हैव बीन मेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दे आर सेइंग दैट यू वर नॉट टू टेल आई टोल्ड इन द पार्लियामेंट नो सर बट दे आर सेइंग यू वर नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिस एंड दिस इज द रीजन दे हैड टू पुट अप द नोटिस। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, मिस्टर खड़गे? Mr. Kharge, so there you see Mallikarjun Kharge has reached enforcement, has reached Young India office, that is in Herald House, and we can expect enforcement directorate team. खड़गे साहब क्या कहेंगे जो पूरा आरोप लग रहा है हेराल्ड पे? खड़गे साहब दैट हैव बीन मेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दे आर सेइंग दैट यू वर नॉट टू टेल आई टोल्ड इन द पार्लियामेंट नो सर बट दे आर सेइंग यू वर नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिस एंड दिस इज द रीजन दे हैड टू पुट अप द। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे ईडी ने समन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया है और मैं पूछताछ के लिए यहाँ पर शामिल हुआ हूँ। यंग इंडियन दफ्तर सील होने के बाद ये खड़गे पहुंचे हैं, मुझे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हर एक सवाल का जवाब अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देना होगा, जिस पर भी शक, जहां पर भी खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक ईडी समन भेज रही है, उन सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है जो कि शक के घेरे में। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है जब मल्लिकार्जुन खड़गे हेराल्ड ऑफिस पहुंचे और वहां पर वो उस दफ्तर भी पहुंचे जो कल सील किया गया, यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड का। मोहित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मोहित, क्या वहां पर तस्वीरें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि जिम्मेदार अधिकारियों में से एक है यंग इंडियन लिमिटेड के, वो वहां नहीं थे तो उस दफ्तर को सील कर दिया गया। आज जब वो वहां पर पहुंचे, क्या तस्वीर और देखने को मिल सकती है? आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे ही यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है और उसके साथ ही जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो चलता है। फिलहाल यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं है, लेकिन यंग इंडिया लिमिटेड का ऑफिस सील किया गया और उस पर चस्पा किया गया था, बोला गया उसमें, लिखा गया है कि बिना अधिकारियों की अनुमति के उस ऑफिस को नहीं खोला जा सकता। लेकिन इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जो फोर्थ फ्लोर है वहाँ पे नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है उसका ऑफिस चलता है और वहाँ पे आज इम्प्लॉयज आए भी हैं। और इस हो सकता है कि अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पहुँचे हैं तो वो फोर्थ फ्लोर पर गए हैं, क्योंकि नीचे ऑफिस जो है वो सील पड़ा हुआ है, उसमें किसी की एंट्री नहीं है और आज ईडी टीम यहाँ पर पहुंची नहीं है तो अंदर किसी तरीके से पूछताछ नहीं की जा रही है। लेकिन फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं और हो सकता है कि वो यहाँ से ऊपर फोर्थ फ्लोर पर जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है वहाँ पहुंचे हों। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पूरे एक घटनाक्रम को ये हुआ है उसके बाद लगातार कांग्रेस जो है अग्रसर नजर आ रही है और कांग्रेस ने कह दिया है साफ कि अब यात्रा नहीं रण होगा और उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अपना पलटवार किया और वो जानना चाहते हैं कि पहले आप सत्याग्रह की बात कर रहे थे, अब रण की बात कर रहे हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं, आप खुद कन्फ्यूज हैं, क्या जनता को बताना चाहते हैं और जनता के सामने क्या दर्शाना चाहते हैं? अगर आप निर्दोष हैं तो जाँच होने दीजिए, जाँच को सामने नहीं आने दीजिए। लेकिन कांग्रेस जिस पर पूरी तरीके से एग्रेसिव नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एक पूरा एक जो माहौल है वो खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इस बीच में कांग्रेस ने कल देशव्यापी प्रदर्शन की मांग जो है एक घोषणा की है और वो कल महंगाई के मुद्दे पर देश में जो है एक माहौल बनाएंगे, जो एक पूरा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो नई दिल्ली अगर की बात करें तो नई दिल्ली में उनको प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और साफ मना किया गया है कि नई दिल्ली में किसी भी जगह पर उनको प्रदर्शन की जगह नहीं मिलेगी। अगर प्रदर्शन करना ही है तो सिर्फ जंतर मंतर पर अलाउ किया जाएगा, लेकिन वो भी पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसके तहत ही अलाउ किया जाएगा। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे जो आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस के दफ्तर पहुंचे यहाँ पे अंदर है, कुछ देर हुई है उनका यहाँ पे आए हुए और थोड़ी देर पहले जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात की। यहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ होने वाली है। देखिए, अगर आज ईडी के अधिकारी यहाँ पर आते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे खुद मौजूद है तो हो सकता है कि यहाँ पे पूछताछ हो, लेकिन फिलहाल ईडी के ऑफिसर्स यहाँ पे नहीं है।
मल्लिकार्जुन खड़गे खुद यहाँ पहुंचे हैं। अब देखना है कि अगर ईडी भी यहाँ पे पहुंचती है, ईडी की टीम भी यहाँ पहुंचती है, तो यहाँ पे पूछताछ होना संभव है उनसे। मोहित, लेकिन एक चीज मुझे समझाइए, क्योंकि कल जिस तरीके से दफ्तर को सील किया गया, ये कहा गया कि वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे, मसलन मल्लिकार्जुन खड़गे, वो वहां पर मौजूद नहीं थे, लिहाजा उसे सील कर दिया गया। तो आज उस सील को क्या हटाने की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से की जा सकती है क्या? क्योंकि एक तरफ तो राज्यसभा में कार्यवाही भी जारी है, उनके पास नेता विपक्ष का पद भी है जो कि बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, लेकिन इन सब व्यस्तता के चलते वो यंग इंडियन लिमिटेड के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद राज्यसभा में ये बात भी बोली कि जब सेशन चल रहा था उसी दौरान उनको नोटिस दिया गया है। हालांकि ये मल्लिकार्जुन के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें नहीं है कि वो सील खोल सकें, सील तो ईडी के अधिकारियों की अनुमति के बाद ही खुलेगी। हालांकि ये सील टेम्परेरी है, परमानेंट सील नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने बोला था कि यहाँ पर जो यंग इंडिया लिमिटेड के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति थी, इसलिए इसको सील किया गया है। लेकिन जिस तरीके से एक लंबी जो छानबीन जो सर्च था वो ईडी ने किया था, अकाउंट ऑफिस में गए थे, अकाउंट सेक्शन में गए थे, अकाउंट्स उनके खंगाले गए थे यंग इंडिया लिमिटेड के, किस तरीके से एजियल का जब अधिग्रहण हुआ था उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको यहां पे खंगाला गया था। लंबी सर्च यहां पे ईडी की चली थी और देर रात में जाकर यहां पे ईडी के ने जो यंग इंडिया लिमिटेड का ऑफिस है उसको सील किया था। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर है, अगर ईडी की टीम यहां पहुंचती है तो उनसे यहां पर पूछताछ होना संभव है। जी बिल्कुल।